सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर इंसान की दो कहानियाँ होती है, एक वो सबसे छुपाता है और एक वो सबको दिखाता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बार सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। आज का पंचांग 28 नवंबर 2021 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, सुबह 5:30 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 10:05 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:15 से 5:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:53 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर सुबह 4:04 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगी। धनु राशि रविवार, सितारों के चाल से जानकारी मिल रही है कि इस राशि वालों के कार्य क्षेत्र में आज काफी गतिविधि देखने को मिलेगी। व्यापारिक ऋण संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है जिससे व्यापार विस्तार की योजना सफल होगी। कुल मिलाकर व्यापारिक ऋण के मामलों से पूंजी निवेश बढ़ाने को लेकर जोर दिया जाएगा। नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के मन में कुछ नया कर दिखाने का जोश रहेगा और काम का अधिक भार बना रहेगा। सरकारी कामों से लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए कुछ बातों को नजरअंदाज भी करें। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र के जातकों को लाभ भी होगा। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और यही आपको सीखना है, अभी आपको इसी से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा ना करें, परेशानियों से बच सकें। जरूरतमंद चाहे बच्चे हों या बूढ़े, उनकी मदद करें। ऐसा करने से आप सही रास्ता पर चल पाएंगे। चाहे आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो, आज के दिन आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को आने से रोकना होगा। व आज यदि आपके ऊपर कोई परेशानी आए तो भी आपको उसमें धैर्य बनाकर उसका सामना करना होगा, तभी आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने में सफल हो पाएंगे। सावधानियां, आज कार्य क्षेत्र में आपको किसी महिला साथी के सहयोग से आपके कार्य प्रभावित होंगे, लेकिन आज आपको किसी पर भी भरोसा करने से पहले ध्यान देना होगा ताकि कोई विश्वासघात ना करे, इसीलिए सतर्क रहें। अपने वाणी पर कंट्रोल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप अपने प्रिय साथी के साथ कुछ प्रेम के पलों का आनंद लेने का सपना देख रहे थे तो आज के दिन इसके लिए उपयुक्त है। अपने घर के दायरे से अपने घर के दायरे में या प्रकृति के कहीं आसपास एक साथ इस दिन का आनंद लें। शीतल प्रकाश सुगंधित द्रव आपके प्रेम की ज्वाला को बढ़ाएंगे। आगे बढ़े, आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। बात करते हैं करियर की। एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक अवसर आज आपके लिए खुलने की संभावना है। निर्माण या अचल संपत्ति के कारोबार में निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हालांकि अगर आप समय पर निर्णायक कार्यवाही करते हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे। संपत्ति से संबंधित ऋण भी आज मंजूर होने की संभावना है। बात करती है सेहत की। इस समय आपको अपनी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें
झुकाव आध्यात्मिकता की ओर है। फिलहाल आप या तो मोटापे से परेशान हैं या फिर जीवन की कुछ विशेष घटनाओं से, इसलिए आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रही। भारी सामान उठाने या ठंड की वजह से कमर दर्द की समस्या भी हो सकती है। भुजंग आसन करना लाभकारी रहेगा। आज का उपाय, आज भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।